हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ड एक्सप्रेस। सेक्शन प्लेन करके एक कमांड ऑटोकैड में दी गई है। इस कमांड का उपयोग करके हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का सेक्शनल व्यू किसी भी प्लेन के अगेंस्ट में बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे वह प्लेन बनाना पड़ेगा जिस प्लेन के अगेंस्ट में मुझे क्रॉस सेक्शन बनाना है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो ये एक सेक्शन प्लेन करके कमांड दी हुई है, यह सॉलिड्स के अंदर मिलेगी। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन प्लेन में बना लेता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सेक्शन प्लेन सेलेक्ट करूंगा। इसके पश्चात यहां पर आप देख सकते हैं ड्रॉ सेक्शन और ऑर्थोग्राफिक दो दिया हुआ है। तो मैं ऑर्थोग्राफिक सेलेक्ट करता हूं क्योंकि ऑर्थोग्राफिक में मुझे पूरी विजुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऑर्थोग्राफिक जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ, इसमें बहुत सारे प्लेन दिए हुए हैं, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। आप इसमें देख सकते हैं ये टॉप यहाँ पर दिखा रहा है, ये फ्रंट है और ये लेफ्ट है। तो मैं मान लीजिए टॉप सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से मैं टॉप में सेलेक्ट कर दूंगा। अब इस प्लेन के अगेंस्ट में देखिए हमारा लाइव क्रॉस सेक्शन बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट इस हमारे द्वारा बनाए गए एक सेक्शन प्लेन के अगेंस्ट में उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाने लग गया है। ये देखिए, ये हमारा क्रॉस सेक्शन, क्योंकि अभी लाइव प्लेन हमारा ऑन है इसलिए हमें लाइव इसका दिख रहा है। इसको हम मूव करेंगे ऊपर या नीचे जहाँ कहीं भी, तो उसकी जो करेक्ट पोजीशन बनेगी उस पोजीशन के अगेंस्ट में हमारा ऑब्जेक्ट का सेक्शनल व्यू बन रहा है। ये देखिए लाइव, इसका एक ऑप्शन है, यदि मुझे लाइव नहीं देखना है तो यहाँ सेक्शन के अंदर जाइए, लाइव सेक्शन में इस सेक्शन प्लेन को सिलेक्ट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए ये लाइव नहीं है, मतलब हमारा केवल सेक्शन दिख रहा है, एक सेक्शन प्लेन दिख रहा है और ऑब्जेक्ट हमारा बना हुआ है वैसा का वैसा। लाइव जब रहता है तो क्या होता है, हमारा जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हमें लाइव दिखता है, मतलब जिस जैसे ही हम जिस भी डायरेक्शन में इसको मूव करते हैं। अभी मैं एक इसको रोटेट करता हूँ, उसका सेक्शनल व्यू कैसे देखते हैं। 3D रोटेट कमांड है, 3DR टाइप करता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब इस प्लेन को मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, लगभग समझ लीजिए कि 10 डिग्री के आसपास मैं कर देता हूँ, 10 डिग्री। ये देखिए अब हमारा सेक्शन ऐसा बन गया है, क्रॉस ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे कर रहा है। ये देखिए 10 डिग्री, मतलब ये ऑब्जेक्ट भी क्रॉस कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी क्रॉस कर रहा है। अब हमें इसका लाइव व्यू देखना है तो हम फिर से यहीं पर जाएंगे, सेक्शन के अंदर लाइव सेक्शन जाएंगे। ये प्लेन पहले सेलेक्ट था मेरा इसलिए ये क्रॉस सेक्शन हमारा लाइव दिख रहा है, मतलब ये। अब बात आती है, ये तो हमारा विजुलाइजेशन के लिए है कि हाँ भाई ये इसका क्रॉस सेक्शन इस प्लेन के अगेंस्ट में ऐसा रहेगा, इस ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा। ये देखिए अब मुझे इस क्रॉस सेक्शन को अपने 2D या किसी भी प्लेन पे मुझे बनाना है। जैसे मैं ये क्रॉस सेक्शन है, अभी इस क्रॉस सेक्शन को मुझे अलग से निकाल के बनाना है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं सिंपली जाऊँगा सेक्शन के अंदर, क्रिएट ब्लॉक, एक्चुअल में ब्लॉक फॉर्म में बनता है, तो क्रिएट ब्लॉक सेलेक्ट करूँगा। इसके पश्चात बोल रहा है सेक्शन प्लेन, तो यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और ये प्लेन मैं सेलेक्ट करूँगा, जिस भी प्लेन के अगेंस्ट मुझे सेक्शन काटना है उसको सेलेक्ट कर दूँगा और क्रिएट कर दूँगा, और फिर जहाँ पर रखना है वहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। इसके पश्चात पूछेगा एक्स एक्सिस का स्केल फैक्टर कितना है, तो बाय डिफॉल्ट 1 है तो इंटर प्रेस कर दूंगा। वाई एक्सिस का क्या है तो इंटर 1 कर दूंगा, और एंगल रोटेशन भी 0 डिग्री ही कर देता हूं बाय डिफॉल्ट जो है। ये देखिए हमारा जो प्लेन बना था, हमारा ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा है। ये हमारे दो क्रॉस सेक्शन हमको जो यहाँ पर लाइव दिख रहे हैं, इसका 2D फॉर्म में जाके हमारा ये यहाँ पर सेक्शन बन गया है जिसको हम टॉप व्यू में देख सकते हैं। अब हम इसका हैच, ये जो हैच मार्क है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक्सप्लोर कमांड सबसे पहले उपयोग करते हैं, इंटर प्रेस कर देते हैं, या कि एक्सप्लोर, और हम जाके यहाँ पे हैच का टाइप चेंज कर देंगे। यहाँ पर सॉलिड है तो हम पैटर्न कुछ भी कर देंगे, ये पैटर्न हो गया, और पैटर्न सेलेक्ट करके इसका स्केल मैं मान लीजिए 200 कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा ये इसका क्रॉस सेक्शन हैच ऐसे दिखने लग गया। इसी तरह सेम फंडामेंटल इसका भी है, इसमें भी जाके हम इस सॉलिड की जगह ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेंगे या पैटर्न सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर स्केल को हम 300 कर देते हैं। ये देखिए तो इस तरह हमारा ये क्रॉस सेक्शन बन गए हैं जो कि हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। इस तरह से हम क्रॉस सेक्शन प्लेन के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। प्लेन हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। अब मैं दूसरा सेक्शन प्लेन एक बनाता हूँ इस ऑब्जेक्ट का। सेक्शन प्लेन गया मैं और यहाँ इसके सेंटर में सेलेक्ट कर दिया मैं, और ये डायरेक्शन, ये हमारा प्लेन बन गया है। अब मान लीजिए मैं इसका क्रॉस सेक्शन चाहता हूँ इस दिए गए प्लेन के अगेंस्ट में, थोड़ा मूव कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। ये देखिए अब मैं इस क्रॉस सेक्शन का क्या हमारा बनेगा, ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा इस क्रॉस सेक्शन में, वो क्रॉस सेक्शन देखने के लिए या तो हम लाइव सेक्शन कर लें
ये प्लेन सेलेक्ट करते हैं तो देखिए ऐसा दिखेगा। और इस लाइव सेक्शन या इस हमारा क्रॉस सेक्शन जो कटा हुआ है इस प्लेन के अगेंस्ट में, इसको 2D में लेने के लिए हम सिंपली जाएंगे यहाँ पर, क्रिएट ब्लॉक करेंगे, सेक्शन यही प्लेन सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा सेम क्रॉस सेक्शन बन गया है। इंटर 3 बार सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए क्रॉस सेक्शन हमारा बन गया, जिसको हम टॉप व्यू में सेलेक्ट कर देख लेंगे। ये देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा क्रॉस सेक्शन बनता है वो एक्स वाई प्लेन में बनता है। यदि हम एक्स वाई प्लेन चेंज कर देंगे तो हमारा जनरेटेड ब्लॉक होगा वो हमारा उसी प्लेन में होगा। जैसे एग्जांपल के मैं अपना प्लेन का जेड एक्सिस सेलेक्ट कर देता हूँ, व्यू में जाके मैं जेड एक्सिस को ये कर देता हूँ इस डायरेक्शन। अब देखिए हमारा एक्स वाई प्लेन ये वर्टिकल हो गया है जिस सेक्शन में हमारा ये प्लेन बना हुआ। अब मैं यदि ये सेक्शनल व्यू बनाऊँगा तो उसके लिए सिंपली सॉलिड्स में जाके ये सेक्शनल क्रिएट ब्लॉक करता हूँ और ये सेम प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। देखिए इस बार हमारा जो क्रॉस सेक्शनल प्लान बना है वो हमारा एक्स वाई, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक्स वाई प्लेन में बना है। तो इस तरह हम एक्स वाई प्लेन डिफाइन कर देंगे जहाँ पर ही, वैसा ही हमारा ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस तरह हम क्रॉस सेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट या 3D ऑब्जेक्ट का बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कोई डाउट हो कमेंट ज़रूर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ड एक्सप्रेस।